नमस्कार, जय माँ गायत्री देवी। गायत्री मंत्र के बारे में और उसकी उपासना के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गायत्री मंत्र जप करने से पहले साफ और सूती वस्त्र पहने कोश या चटाई का पर आसन पर बैठकर जप करें। तुलसी या चंदन की माला का प्रयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह के पर सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जप करें। शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र कितने दिन में सिद्ध होता है? गायत्री मंत्र को सिद्ध करने में कितना समय लगता है? तो सिद्धि को प्राप्त करने की संपूर्ण विधि क्या है? गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए 24 लाख बार जप करना पड़ता है। गायत्री मंत्र की साधना कैसे शुरू करें? गायत्री मंत्र का आंतरिक जप आरंभ करें। सूर्य के विशिष्ट प्राण की प्रतीक्षा करें। जब वह गुलाबी रंग की हल्की छटा में बदल जाए तब सूर्य को जल अर्पित करें। फिर अपनी आंखें बंद करें और सूर्य के प्रति जागरूकता और मंत्र का आंतरिक जप जारी करें। सूर्य के विशिष्ट प्राण की प्रतीक्षा करें। जब वह गुलाबी रंग की हल्की छटा में बदल जाए तो सूर्य को जल अर्पित करें। फिर अपनी आंखें बंद करें और सूर्य के प्रति जागरूकता और मंत्र का आंतरिक जाप जारी करें। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे भी गायत्री देवी के स्त्री रूप में भी पूजा जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र ये महामंत्र है। इसका अर्थ होता है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। यह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। क्या गायत्री मंत्र मनोकामनाएं पूरी कर सकती है? गायत्री मंत्र का जप का महत्व है। यह आपको योग शक्ति परमात्मा के साथ मिलन की ऊर्जा प्रदान करता है। गायत्री का जप शांत मन से चुपचाप दिया धीमी आवाज में मधुर आवाज में करना सबसे अच्छा है। परिणाम स्वरूप आपकी इच्छाएं जिनमें वे इच्छाएं भी शामिल हैं जो अभी तक व्यक्त नहीं की गई हैं वो सभी पूरी होगी। गायत्री मंत्र कब नहीं करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जप तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के समय जप करना शुभ है। क्या हम बिना स्नान किए हुए गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं? हम बिना स्नान किए हुए नहाए हुए खाते हुए पीते हुए चलते हुए देखते हुए सुनते हुए सांस लेते हुए सब जगह पे जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप मन में कैसे करें? अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपकी नासिका में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र को जोर से बोलें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए फुसफुसाहट के साथ इसे दूसरी बार दोहराएं और उसे अपने दिमाग में चुपचाप तीसरी बार दोहराएं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपकी नासिका में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गायत्री मंत्र का रोज जप करने से क्या होता है? गायत्री मंत्र का रोज जप करने से देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करने के लिए अनगिनत भजनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप प्रचुरता और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए शक्तिशाली माना जाता है। यदि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो वह आपके मन और शरीर को स्वस्थ रखेगा, अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है? गायत्री मंत्र को 24 अक्षर 24 शक्ति बीज है। गायत्री मंत्र की उपासना करने से उन मंत्र शक्तियों का लाभ और सिद्धियां मिलती हैं। गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म का सबसे उत्तम मंत्र माना जाता है। यह मंत्र हमें ज्ञान प्रदान करता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 बीज हैं। गायत्री मंत्र की उपासना करने से वह मंत्र शक्तियों का लाभ और सिद्धियां मिलती हैं। गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म का सबसे उत्तम मंत्र माना जाता है। उस मंत्र से हमें ज्ञान प्रदान करता है। गायत्री मंत्र किसे पढ़ना चाहिए? गायत्री मंत्र सबके लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक मंत्र का एक देवता होता है और गायत्री मंत्र के मामले में देवता या भगवान सूर्य देव है। जब सूर्य देवी संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए अपनी सूरज की ऊर्जा देते हैं इसलिए गायत्री मंत्र भी इस दुनिया में हर किसी के लिए है। शरीर को पवित्र कैसे करें? शास्त्रों में शामिल है कि स्नानम मंत्र का जप करके अत्यंत लाभदारी है। इस मंत्र का यदि पूर्ण मन से ध्यान लगाकर जाप किया जाए तो शरीर और अन्य सभी अशुद्धियों को साफ करता है। शास्त्रों के अनुसार वर्णित स्नान मंत्र है ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरणित पुंडरीकाक्षम सह बाह्य भयंतरम सुचि। इस मंत्र का जप करने से आपको स्नान का फल मिल जाता है।
गायत्री मंत्र का देवता कौन है? लोकप्रिय गायत्री मंत्र का ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया जाता है, जो देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। लोकप्रिय गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है, जो देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री माता का दिन कौन सा है? शुक्रवार को देवी की आराधना के लिए नियत किया गया प्रमुख दिन है। यह गायत्री मंत्र के जाप से उसकी आराधना करें। शुक्रवार को देवी की आराधना के लिए नियत किया हुआ प्रमुख दिन है, तो गायत्री मंत्र के जाप से उसकी आराधना करें। गायत्री मंत्र कितनी बार बोलना चाहिए? इस मंत्र के जाप से मनुष्य का मानसिक तौर पर जागृत हो जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इस मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि नियमित रूप से 3 बार उसका जप करने से सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। रोजाना 3 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मनुष्य की मानसिक तौर पर जागृत हो जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इस मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि नियमित रूप से 3 बार उसका जप करने से सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। रोजाना 3 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र कौन सा है? शिव मंत्र का जप करने से हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे दयालु देवता माने जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। इन मंत्रों का जप करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और बाहर और भीतर सब जगह पे शांति हो जाती है। चलते फिरते कौन सा जप कर सकते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को खड़ाक्षरी मंत्र के नाम से जानते हैं। यह भगवान शिव का मंत्र है। इस मंत्र का जप आप चलते फिरते कोई भी जगह कर सकते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा? गायत्री मंत्र को सभी हिंदू मंत्रों में सबसे सार्वभौमिक माना जाता है, जो ज्ञान के सिद्धांत और आदिम सूर्य की रोशनी के रूप में सार्वभौमिक ब्रह्म का आवाहन करता है। मंत्र ऋग्वेद की पुस्तक में भजन 64 के 10वें श्लोक में लिया गया है। गायत्री मंत्र को सभी हिंदू मंत्रों में सबसे सार्वभौमिक मंत्र माना जाता है। क्या रात में गायत्री मंत्र सुन सकते हैं? गायत्री मंत्र का जप करने का सबसे अच्छा समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में है। हालांकि इसका जप किसी भी समय किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का जप करने का सबसे अच्छा समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के समय आसपास का है। हालांकि इसका जप किसी भी समय किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का जप रात में क्यों नहीं करना चाहिए? हालांकि सुबह दोपहर शाम को जप करना अधिक लाभदायक होता है, लेकिन रात में जप करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। ईश्वर ने कोई समय निर्धारित नहीं किया, हम उसे याद कर सकें। जो जिस मायने में जो चीज़ मायने में रखती है वह ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और समय। हालांकि सुबह दोपहर शाम को जप करना अधिक लाभदायक होता है, लेकिन रात में जप करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। ईश्वर ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है, हम उसे याद करें। जो जिस मायने में रखती है वह ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति है और समय नहीं है। गायत्री मंत्र कम से कम कितनी बार करना चाहिए? मंद गायत्री मंत्र का जप ज़्यादा बार नहीं कर सकते, कम से कम 108 बार तो अवश्य करना चाहिए। वेद शास्त्रों और पुराणों में गायत्री मंत्र के जाप को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम 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 ओम